गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम CEPH 101 का प्रैक्टिकल डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर स्टार्ट करेंगे. आवर एम इज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट बाय अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. नाउ द अपैरेटस रिक्वायर्ड आर अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. देन ये देखिए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है ये. Then a magnetic needle and a scale. ये scale है, देखो आपको ये magnetic, ये compass है ना magnetic needle वाला, ये आपको यहाँ पर fix कर देना है बीच में. इसके एक side और दूसरी side scale है. अब आपको सबसे पहले मैग्नेटोमीटर को टेन ए पोजीशन में फिक्स करना है. व्हाट इज़ टेन ए पोजीशन? टेन ए पोजीशन में आपको ये स्केल के पैरेलल में इसका ज़ीरो ज़ीरो ले आना है. स्केल के पैरेलल में देखो, स्केल के एकदम पैरेलल है ज़ीरो और 90 परपेंडिकुलर में है, ये करना है. और आप देखो तो आपका ये जो नीडल है वो ज़ीरो पे ज़ीरो ज़ीरो पे नहीं दिखा रहा, तो आप क्या करिए, एक तो ये ज़ीरो और ज़ीरो जो है वो स्केल से पैरेलल कर दीजिए, फिर अपने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को ऐसे रोटेट करिए कि आपकी ये जो नीडल दिख रही है ना वो भी ज़ीरो पे आ जाए. देखो मेरे ये, मैं इसको रिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को की पोजीशन मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब ओरिएंटेशन ऐसे खिसका रही हूँ, तो देखिए ये नीडल भी चेंज हो रही है. तो देखो अब नीडल भी परफेक्ट ज़ीरो ज़ीरो पे आ गई और मैग्नेटोमीटर देखिए इस पोजीशन में है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है बिल्कुल, इस पोजीशन में है. ये सेट कर दिया मैंने. उसके बाद ये आपका ये आपकी टेन ए पोजीशन हो गई. इसके बाद आप ये एक मैग्नेट लीजिए, ये मैग्नेट है. इस मैग्नेट में ये डॉट जो है वो आपका, ये डॉट क्या है, डॉट आपका नॉर्थ पोल है और उसके सामने वाला डॉट, ये वाली साइड नॉर्थ पोल है तो ये वाली साइड साउथ पोल होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, ज्योमेट्रिकल लेंथ. तो आपकी कुछ ज्योमेट्रिकल लेंथ एल आएगी और ज्योमेट्रिकल लेंथ मिल जाए उसके बाद आप मैग्नेटिक लेंथ इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन होगा 0.36 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर. अब ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले हम गॉस ए पोजीशन की बात करेंगे. मैंने आपको गॉस ए पोजीशन यहाँ पे सेट करना सिखाया कि गॉस ए पोजीशन कैसे करनी है. सबसे पहले तो ये कॉम्पस का ज़ीरो ज़ीरो स्केल के पैरेलल में होना चाहिए. फिर आप इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को इस तरह से रोटेट करिए कि ये जो नीडल है वो ऐसे ज़ीरो ज़ीरो पे आ जाए. उसके बाद आप 12 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर पे आपके मैग्नेट को रखिए. और आपको कैसे रखना है कि नॉर्थ पोल जो है वो इस तरफ हो, मैग्नेट की तरफ नॉर्थ पोल आपका कॉम्पास की तरफ हो. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे रख देना है आपका मैग्नेट इस तरफ. तो क्या होगा, आपकी कुछ रीडिंग्स आएगी. देखो पहले ज़ीरो ज़ीरो पे था, अब डिफ्लेक्ट हो गया.
डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट हो के क्या रीडिंग्स आ रही है वो देखो पहले आप। तो अभी नीडल कोई दो नंबर्स पे है, एक डिफ्लेक्शन यहाँ पे और एक डिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे इस तरफ है उसको अल्फ़ा वन कहिए और इसको अल्फ़ा टू कहिए, ठीक है। इस तरफ वाले को अल्फ़ा वन, इस तरफ वाले को अल्फ़ा टू, मतलब 90, ये ऐसे रेफरेंस लीजिए, 90 के इस तरफ वाली जो रीडिंग है उसको मैं अल्फ़ा वन बोलूँगी और 90 के इस तरफ मतलब राइट साइड वाली जो रीडिंग है उसको मैं अल्फ़ा टू कहूँगी। तो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू की वैल्यू मिल जाएगी आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले तो नॉर्थ पोल था कॉम्पस के साइड, अब क्या कीजिए, साउथ पोल को कॉम्पस के साइड रखिए। तो आपके आपका कुछ डिफ्लेक्शन होगा, फिर से डिफ्लेक्शन हुआ देखो। तो अब जो दो रीडिंग आ रही है यहाँ पे उसको अल्फ़ा थ्री और अल्फ़ा फोर कहेंगे। मैंने बोला था 90 से लेफ्ट साइड वाली को अल्फ़ा थ्री, 90 से राइट साइड वाली को अल्फ़ा फोर। तो अल्फ़ा थ्री और अल्फ़ा फोर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये मैग्नेट उठाइए जो इस साइड पे था, उस अब आर्म के राइट साइड पे आइए और यहाँ पे सबसे पहले तो मैग्नेट को 12 सेंटीमीटर पे रखिए, लेकिन कैसे कि नॉर्थ पोल कॉम्पस के सामने हो। अब फिर से आप रीडिंग नोट करिए, रीडिंग नोट करेंगे तो अब इसके भी देखो दो रीडिंग है। तो 90 के इस साइड वाला जो है ये, इसको मैं अल्फ़ा फाइव बोलूँगी और ये राइट साइड वाले को इसको मैं अल्फ़ा सिक्स बोलूँगी। उसी अब ये नॉर्थ पोल था, 12 पे नॉर्थ पोल रखा था, अब उसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया, उल्टा होने के बाद अब देखो, तो 12 पे देखो, अब 12 पे क्या है, नॉर्थ पोल नहीं है, साउथ पोल है। तो अब फिर से देखो दो रीडिंग आई, अब दो रीडिंग आई उसमें ये जो इस तरफ वाली ये वाली जो रीडिंग है उससे मैं अल्फ़ा सिक्स बोलूँगी और 90 से इस तरफ वाली ये जो रीडिंग है उसे मैं अल्फ़ा सिक्स तो हो गया, 90 से इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे ये वाली रीडिंग है उसे मैं अल्फ़ा सेवन बोलूँगी और ये 90 से इस तरफ वाली जो ये रीडिंग है इसे मैं अल्फ़ा एट कहूँगी। तो आपका 8 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इन आठों का सम करके डिवाइडेड बाय 8 करिए तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो गॉस ए के लिए एवरेज थीटा इज 57.5। अब आते हैं हम गॉस बी पोजीशन के लिए। गॉस बी पोजीशन के लिए क्या करना है हमें, अब आप ऐसा कीजिए कि पहले ज़ीरो, पहले क्या था गॉस ए में, ज़ीरो ज़ीरो था स्केल के सामने। अब क्या कीजिए कि 90 को स्केल के सामने लाइए पैरेलल में, 90 90, देखो 90 90 स्केल के एकदम पैरेलल में है। उसके बाद अपने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को थोड़ा सा देखो, मैं रोटेट कर रही हूँ, थोड़ा सा इस तरह रोटेट कीजिए कि आपका 90 ये जो नीडल दिख रही है वो एकदम 90 को पॉइंट करने लगे, लगभग 90 को पॉइंट कर रही है। अब बिल्कुल कर रही है। तो ये पोजीशन देखो, इस पोजीशन पे आपका क्या है कि कॉम्पस का 90 और 90 स्केल के पैरेलल में है और अंदर जो नीडल है वो भी 90 90 को फेस कर रही है। तो ये आपकी गॉस बी पोजीशन हो गई। अब इसके लिए भी आप सेम चीज़ रिपीट करिए कि आप एक मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये रहा, हाँ
नॉर्थ पोल को आप ये 12th पे रखिए। आपकी जो भी रीडिंग आए, जो भी, अब ये 00 से लेफ्ट साइड वाला इसको अल्फा 1 रीडिंग कहिए, 00 से राइट वाला इसको अल्फा 2 रीडिंग कहिए, अल्फा 1 अल्फा 2। ये नीडल जहाँ पे पॉइंट कर रही है वो अल्फा 1, ये नीडल जहाँ पे पॉइंट कर रही है वो अल्फा 2। अब इस मैग्नेट को घुमा दीजिए ताकि 12 पे आपका साउथ पोल आए। तो आपकी जो भी रीडिंग है उसमें ये 0 से राइट लेफ्ट वाला ये अल्फा 3 हुआ, 0 से लेफ्ट ये अल्फा 3 हुआ, और 0 से राइट में ये अल्फा 4 हुआ। उसके बाद मैग्नेट को यहाँ से हटा के इस वाले आर्म पे ले आइए और नॉर्थ पोल को सबसे पहले तो मैग्नेट के सामने रखिए। देखो नॉर्थ पोल मैग्नेट के सामने है। आपकी जो भी रीडिंग आए उसमें अब ये 0 से लेफ्ट में तो 0 से लेफ्ट में तो ये अल्फा 5 होगा और 0 से राइट में ये अल्फा 6 होगा। उसी तरह से नॉर्थ पोल यहाँ पे था पहले, ये ऐसा था ना नॉर्थ पोल यहाँ पे। अब इसको घुमा दीजिए तो साउथ पोल आ जाएगा इसके सामने, साउथ पोल हो गया इसके सामने। अब फिर से इसकी रीडिंग लीजिए तो 0 से इस साइड मतलब ये जो नीडल है ये है अल्फा 7 और 0 से राइट साइड ये है अल्फा 8। तो आपका इस पोजीशन के लिए गॉस बी पोजीशन के लिए अल्फा 1 से अल्फा 8 आपने मेजर कर लिया। इन सब का सम लेके आप डिवाइडेड बाय 8 करिए तो आपको एवरेज थीटा मिल जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशंस करेंगे फॉर गॉस ए पोजीशन। फॉर गॉस ए पोजीशन डी स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। अब डी क्या है, डी हमारा ये रहा डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट्स, ये डी। देन एल स्क्वेयर, व्हाट इज स्मॉल एल, स्मॉल एल ये रहा मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। देन वी एच हमें गिवन है 0.36 इनटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 डी। डी भी हमें गिवन पता है, ये रहा टैन थीटा 1। अब थीटा 1 क्या है, ये 57.1 ये रहा। गॉस ए पोजीशन के लिए थीटा क्या है 57.1, तो गॉस ए के लिए थीटा 1 जो है 57.5। तो टैन ऑफ 57.5 करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.57 आएगा। और पूरा सॉल्व करके आपको गॉस ए पोजीशन के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की। फॉर गॉस बी पोजीशन, गॉस बी पोजीशन का भी फॉर्मूला है। डी की वैल्यू आपके पास है गॉस बी पोजीशन के लिए, डी की वैल्यू ये रही आपके पास। फिर एल की वैल्यू भी आपके पास है, ये रही। एच की वैल्यू आपके पास है थीटा 2, टेन थीटा 2। गॉस बी पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, देखो 46.875। तो टेन ऑफ 46.875 सब्स्टिट्यूट करके ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको m2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। मतलब कि गॉस बी, फॉर गॉस बी मैग्नेटिक मोमेंट को मैं m2 कहूँगी। उसके बाद रिजल्ट लिखिए, मैग्नेटिक मोमेंट इन गॉस ए पोजीशन जो भी आया वो, मैग्नेटिक मोमेंट इन गॉस बी पोजीशन जो भी आया वो।